Go! Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए. पाजी, आपको पता है, नए साल के पहले ही एपिसोड में हमारी जो आज की गेस्ट है, ये बॉलीवुड में तो झंडे गाड़ चुकी हैं, हॉलीवुड में भी झंडे गाड़ रही हैं. और सबसे बड़ी बात पाजी, ये जितनी भी फेमस हो जाएं, हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं आया. मतलब मैं आज भी उनसे इतना प्यार करता हूँ जितना पहले करता था. उनका आई डोंट हैव एनी आइडिया. सो प्लीज वेलकम वेरी गॉर्जियस वेरी टैलेंटेड प्रियंका चोपड़ा. तालियां प्रियंका चोपड़ा के लिए. कैसे हो सिद्धू सर? तनाटन तनाटन. चांद निहारता होगा उसको, चांदनी पुकारती होगी. अच्छा, परियां पास बैठकर जिसका रूप निखारती होंगी. मैं सोचता हूं कितना खुशनसीब होगा वो आईना जिसमें देखकर प्रियंका खुद को संवारती होगी. वाह! और मुझे तो ये लगता है कि ऐसा जब आप शेर सुनाते हैं, भाभी पक्का आपको मारती होगी. चंदू, एक बात बोलूं लेकिन? जी. इनके आने से पहले सॉरी चंदू. जी जी. मैं गई क्या 6 महीने? तुम्हारे शो का बजट बढ़ गया क्या? मैं कभी भी गाड़ी में नहीं आई हूँ इस शो में. मैं हमेशा चलती वलती आई हूँ. गाड़ी है, शोफर है, प्लेन की शेप में गाड़ी है. आप शोफर नहीं है? शोफर तो नहीं, लोफर लग रहा है मेरे को ये. तो पहना क्या हुआ ये? मैं कैप्टन हूँ, मेरे को स्वागत तो करने दो. हाँ प्लीज. वेलकम टू द मुंबई एयरपोर्ट. मैं जहाज का कप्तान चंदूलाल आप सबका स्वागत करता हूँ. सो बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीमीटर. ये तुझे लुंगी से पता लग रहा तेरी? और नीचे तो 10 डिग्री है. और इकोनॉमी क्लास वालों के लिए उनको क्या है, बाहर जाए ऑटो करे, घर को जाए उनको क्या है. और आप सबसे अनुरोध है कि पहले क्विंटको वालों को बाहर जाने दें. पहले जब तक तूने नाम नहीं ना सही लिया, आगे नहीं बढ़ने देना. पहले नाम सही ले. किनको आगे जाने दो? क्विंटको. क्विंटको ही? क्वांटिको. पहले क्वांटिको वालों को बाहर जाने दें. और जो इंटरव्यू वाले हैं वो थोड़ा पीछे हटकर खड़े हुए हैं. जहाँ सेलिब्रिटी देखने पीछे पीछे, आपको हमारे शो में आखिर कैसे लगा? अच्छा, ऊपर वाले का कहर देख लो. मेरी किस्मत देख लो. एक तरफ प्रियंका चोपड़ा, दूसरी तरफ टूटा हुआ थोपड़ा. कैसा कॉम्बिनेशन देखो इसका, मुंह का. यार मुझे एक बात बताओ, आपकी आंखें या तरबूज के बीज? ये टूटा हुआ आपको कहां से लग रहा है? अब टूटेगा ना, तोड़ूंगा ना मैं जो बदतमीजी कर रहा है तू. अच्छा मैं एक बात कहना चाहता, मेरा दोस्त है प्रियंका के लिए जोरदार हग, और मेरे दोस्त चंदू के लिए चल भाग फट. बदतमीज आदमी. देखिए जिस प्रकार से आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, गाड़ी चलाते चलाते ऐसे नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप एक पायलट के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते. ओए, चाय से मक्खियां तेरे से उड़ाई नहीं जाती, तू जहाज उड़ाएगा तो पागल हो गया. पापा जी ये देखो, इतना बड़ा शो चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि मक्खी को उड़ाने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे उड़ जाती है. मक्खी को तो भाजी ऐसे कर मक्खी उड़ जाती, जहाज को ऐसे कर उड़ जाता है वो. तो भाजी यार. उसके लिए पाजी प्रॉपर आपको पता नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, ड्रन फिर उड़ता जहाज. देखा इसकी हरकतें ऐसी हैं. ये बुरा बहुत मान जाता है, मेरा दोस्त है चंदू. हाँ ऐसी बातें बताओ. हाँ ही इज माय फ्रेंड कम फैमिली नौकर ज्यादा. 2 ग्लास कटिंग चाय लेके ग्लास धो के लाना चल. नहीं नहीं, मुझे मुझे लाइक मुझे चाय नहीं पीनी. कोई बात नहीं, हम कॉफी पे चले जाएंगे. अगर आपके पास टाइम होगा तो हम कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं. आप तो बड़े फॉरवर्ड निकले. कैंडल नहीं, सैंडल रेडी है मेरी आपके लिए. अच्छा मुझे प्रियंका से वार्तालाप करने दे. जी. ये तो मैंने तेरे साथ ना वार्तालाप शुरू कर देनी है. तो फिर आराम से बात कर. फटाफट निकल यहाँ से. जहाज के कप्तान से मेरा अनुरोध है. अच्छा. यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था. हाँ ऐसे बोलो ना, अबे जलपान की व्यवस्था करता हूँ मैं. प्रियंका के लिए जोरदार तालियां. प्रियंका आप हमारे सोफा बैठ के इसको और महंगा कर दे प्लीज. आप सब बाखूबी जानते हैं कि 2016 जो है वो प्रियंका के नाम रहा. पद्मश्री इनको मिला, ऑस्कर से लेके एमिस रेड कारपेट तक ये छाई रही. यूनिसेफ ने भी इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है. एलन डिटनेस के शो से लेके.
एलन डेगनिस के शो से लेके जिमी फैलन तक। हाँ जी एलन, जब तक तू ये सही नहीं बोलेगा ये शो आगे नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब वाइंड अप कर दें एपिसोड यहीं पे। एलन डेगनिस, आप बताइए याद दिलाइए। एलन डेगनिस डी, मैं बताऊं डी रेजुनेट डी जेनरस एलन डेंजरस या सेम एलन एलन डेंजरस या करेक्ट एलन एलन डेंजरस नहीं या डी 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 जेनरस एलन डेंजरस बोलो एलन डेंजरस एलन ये से लेके जिमी फैलन तक पूरी दुनिया चाहती है कि ये उनके शो में आए। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं प्रियंका आपकी, हमें आप पे बहुत प्राउड है। तो हम 2017 जो है वो आपसे पूछना चाहता है कि आपके अचीवमेंट की लिस्ट पूरी हो गई है 2016 में, तो 2017 की शुरुआत करें। मतलब बहुत प्राउड फील होता है और आपको बहुत बहुत मुबारक इतनी सारी अचीवमेंट्स के लिए। प्रियंका आजकल ज़्यादातर हॉलीवुड में रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं, हमारे लिए क्या लेके आई है वहां से? कुछ लाएगी नहीं? हमें तो ISD कॉल इतना महंगा पड़ता है, आप तो कर ही सकती थी वहां से। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। सीरियसली? जी सीरियसली। क्या लाई हूं मैं? जरा लाई। व्हाट? सीरियसली? सीरियसली समथिंग सरप्राइज। आजकल मैंने सुना है कि कपिल सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप्स ट्विटर मैनुअल, इसमें क्या है मतलब? वो भी रात को ट्वीट करना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आजकल चेंज हो गया, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ आजकल। मैं वहां बैठे बैठे सब जानती हूँ, स्पेशली इनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि चलो प्रियंका गई है हॉलीवुड, तो चलो धीरे धीरे करके अपने सब लोग भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे, मेरे को भी कभी कोई ऑफर दिला दो कि साइड में पड़ा रहूंगा, कहीं क्रेडिट्स में बाद में भी आ जाऊंगा, कुछ चक्कर नहीं। अच्छा तो मैं एक्टिंग करनी है वहां पे? या आई मीन वहां पे ऑब्वियसली इंग्लिश में एक्टिंग होती है। मैं यू कांट इवन थिंक हाउ मच एक्सपेंसिव इंग्लिश स्पीकर आई एम। आई पर एक्चुअली मैं नहीं नहीं प्लीज एक्सप्लेन, आई वांट टू अंडरस्टैंड, मेरे को जानना है। आई मीन आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रॉम 9 AM टू 7:30 PM। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद माय स्लीप टाइम, आई गो टू स्लीप शार्प 8, आई वेक अप बाय 4 बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग माई ओन मूवी। Okay. I can't afford delay. Cannot. प्रियंका की मम्मी जी भी यहाँ पे हैं, मधु चोपड़ा जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये सारी जो खूबसूरती है यहीं से आई है। मधु मैम आपके साथ कौन बैठी हुई है? प्रियंका वैशी, ये खूबसूरत हसी ना, इनका नाम है दीपशिखा भगनानी। दीपशिखा भगनानी ये हमारी को प्रोड्यूसर है, हमारे साथ प्रोड्यूस की बेटी। ओहो पहले बता देना चाहिए था मुझे। हाउ आर यू वाशु सर, कैसे? वेरी गुड थैंक यू। आप भी बहुत अच्छी हैं, थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये भी को प्रोड्यूस कर रही हैं साथ में? जी हाँ, हम एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सरवण, सरवण जो लोहड़ी पे रिलीज होने वाली है। ये करण हैं जो डायरेक्टर हैं हमारी फिल्म के, कैसे दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, वेलकम। मेरी मदर और हनी एंड मी ऑफ कोर्स। तो मम्मी को प्रोड्यूसर क्यों बनाया? मतलब ऐसे दिमाग में रहता है कि मम्मियां थोड़ा खर्चा बचा लेती हैं ऐसे? ओ तुमको पता नहीं है कि मैं कितने पैसे खर्च कर देती हूँ, मम्मी को बना दो तो कोई पैसे लेता ही नहीं, मांगता ही नहीं मेरे से पैसे। अच्छी बात है। प्रोड्यूसर मूव। प्रियंका जी आपको चेक साइन करना, मुझे तो कुछ नहीं पता जी, आप मम्मी से पूछ लो। मुद्दे की बात पे आते हैं, एलन, एलन वही जो पहले बोला था, तो क्या बोला था? Dangerous. Dangerous. Oh. And Jimmy Fallon. अच्छा कर दिया। उन सब के शो पे आप जब जाके आईं, उसके बाद आपको हमारा शो कैसा लग रहा है? Great. पाजी जो भी बंदा मुंबई आता है, लड़का लड़की हीरो हीरोइन बनने, सबका सपना होता है कि उनका पोस्टर जो है, उनके पोस्टर्स हैं उनके शो के या उनकी फिल्म के, जुहू बीच पे लगे हों वहां पे और सब देखें। प्रियंका आपके पोस्टर्स तो न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में लगे हुए हैं। वाओ।
तो आपको प्राउड तो फील होता ही होगा, जाहिर सी बात है, पर उस समय आपको कंफर्म तो हो ही गया होगा कि अब तो कपिल शर्मा शो में जाएंगी। लेकिन मतलब मैं कितनी बार आ चुकी हूँ तुम्हारी शो पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि इतना अच्छा शो है। इस शो में कब आई हो? अभी पहली बार है। 6 बार तो आ चुकी हूँ मैं। इट्स योर फर्स्ट टाइम प्रियंका। नो, तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक है? हम लोग कितनी बार काउच पे बैठ के सिद्धू जी के सामने, बस चैनल अलग था, चैनल अलग था ना। बड़ा बनवा जाओ। नया शो है या नहीं? चैनल पे तो फन दिखा के खूबसूरत। अच्छा, इसलिए मैं सोचूं कि बदबू क्यों नहीं आ रही। हमारा बजट बढ़ गया ना, इसलिए बजट भी बढ़ा सर। आई एम सो सॉरी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, बड़ा अच्छा शो है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट सिद्धू जी आप अपनी पोजीशन तो बदल लेते, कंफ्यूज कर दिया ना गेस्ट को। एक कसूर मेरा ही है। आप ही का तो है, सिर्फ लड़कियां आपकी जो पीछे बैठी हैं वो अलग हैं। लड़कियां मेरे पीछे इसलिए बैठती हैं क्योंकि कपिल का व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा, तो नजर उधर। तो मेरे सामने प्रियंका चोपड़ा बैठी होगी तो मैं उधर क्यों देखूंगा? पहले तो ये बताओ, अब बताओ मेरा कोई फायदा है? बेटा, तेरी निगाह हर दिशा में घूमती है, मैं जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ पहले क्या होता था कि जैसे गेस्ट आए तो सिद्धू जी भी साथ में आते थे। हाँ। उसके बाद उन्होंने जब लड़कियां बैठानी शुरू कर दी ना तो सिद्धू पाजी 35 मिनट पहले आ जाते हैं। और फिर पूछते रहते हैं लड़कियों से, और भाई मोहतरमा खाना वाना खा ली? पाजी आपको पता है प्रियंका क्वांटिको सीरीज तो कर ही नहीं है। हाँ। अभी बेवॉच जो इतना पॉपुलर जो सीरियल था उसके ऊपर फिल्म बन रही है, वो भी प्रियंका कर रही है, आपको उसके लिए भी बधाई बहुत बहुत। पीपल्स अवार्ड जो होता है उसमें ये नॉमिनेटेड थी और पिछली बार ये डेब्यू एक्ट्रेस के तौर पे और जीती भी, और इस बार फिर ये मेन लीड में वहां पे नॉमिनेट हैं और हमें पक्का विश्वास है आप इस बार भी जीतेंगी। तो क्या आपने वो जो विनिंग स्पीच होती है वो तैयार की है आपने? नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा कॉम्पिटिशन थोड़ा डेंजरस है, आई मीन बाकी जो बड़ी दिग्गज एक्ट्रेसेस हैं, तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे हेल्प कर दो इस मामले में। तुमने तो बहुत स्पीचेस दिए होंगे ना, अवार्ड जितने जीते हैं। नहीं, लोग हंस क्यों रहे हैं? लेट्स चेंज द टॉपिक। हम तो आपको सुनते रहते हैं कि प्रियंका कुछ नया करेगी, कुछ नया बोलेगी। हम तो वही है, हमारा चैनल बदला, बंदे वही देख लो, हमारे तो सूट भी वही है, हमारे तो कपड़े भी, हमने सर्दी के हिसाब से स्वेटर पहन लिया। बाद में याद आया कि शो नॉर्थ में जो देखते हैं उनको लगती है सर्दी, मुंबई में तो गर्मी है। मैंने वही तो, आई एम स्वेटिंग फ्रॉम इनसाइड। तो फिर आई थिंक प्रेपरेशन स्पीच की मैं अकेले ही कर लूंगी फिर कभी ना कभी। मैं तो अपनी फिल्म के लिए जो मुझे अवार्ड मिला है ना, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। पर इस बार आप एक काम करना प्रियंका, सीरियसली जब आप जीतेंगी ना तो आप मेरा ऐसे नाम बोल देना ऐसे बीच में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, कपिल हु हैज एक्सेप्टेड मी इनटू अ न्यू कंट्री। कपिल, थैंक यू सो मच फॉर द हिंदी मूवी इंडस्ट्री हु हैज गिवन मी कपिल सो मच टू डू। एंड व्यूअर्स ऑफ क्वांटिको, कपिल बस हो गया, मेरा तो हो गया इतने मैं तो ठीक की तरह। कपिल। अच्छा प्रियंका, आपने कभी नोटिस किया? अच्छा, इंसान को छींक आती ना तो उसके 2 सेकंड 5 सेकंड बाद नॉर्मल नहीं होता, छींक मारता ना उसके बाद ऐसे करता रहता है। कभी ना किसी डॉग होते ना जो पेट, उनको छींकते देखना कभी, लैब है ना मेरे पास, वो बड़ा प्यारा है, वो छींकता तो सडनली कुछ ऐसे अचानक हरकत हो जाए ना जैसे छींक रहा है, तो इतना टाइम लेते वो चलते भागते भागते करता, वो उबासी भी लेते। पता आपको, मैं ऐसे दिल करा, आप इतनी प्यारी लगती हो तो थोड़ा घर वाला संबंध है तो ऐसे शेयर कर रहा हूँ। कभी आदमी उबासी लेता ना, पूरी उबासी लेके उसका मुंह बंद होकर फिर 2-3 सेकंड लगते हैं, कुत्ता उबासी ले रहा है ना कभी, और बीच में कुछ से कुछ दिख जाए। मुझे बड़ा क्यूट लगते कुत्ते। मेरे को इतना अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रिविया और इन्फॉर्मेशन मिलता है ना इस शो पर, मतलब ऐसे जेम्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम जो आपको कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगा। देख लो, पूरी दुनिया घुमाओ। ओनली विद कपिल। पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कुत्ता उबासी कैसे लेता है।
आप सोचो ऐसा नॉलेज आपको कहीं मिलेगा? ना जी ना, ना। कोई बता सकता है, वो भी उबासी करके। ये कहीं पे है ही नहीं इतना टैलेंट। इवन एलन फूट के भरा हुआ है आपके, डेंजरस में भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। कुत्ता चीख कैसे मारता है? कुत्ता? बड़ी सारी चीजें मैं ऐसे मतलब देखते रहूं। बंदर, बंदर को देखा कभी आपने? आप ना शिमला में ना एक जाखू मंदिर है। अब वहां पे जाओ ना तो वहां पे बंदर काफी रहते हैं। तो उनको कोई मतलब आपकी पॉकेट ऐसे चेक करने लगते हैं जाके ना, जैसे आपने जैकेट पहना तो ऐसे पॉकेट में हाथ डालते हैं, पैसे वैसे नहीं निकालते, पैसे हो तो वापस रख देते हैं। तो वो देखते हैं कि खाने पीने कुछ चने कुछ ऐसे है ना, पॉपकॉर्न ऐसे कुछ मिले तो फिर खा लेते हैं। तो हम लोग गए तो मैं भी डर गया। तो ऐसे बंदर क्या करते हैं सोचो, इतने शरारती होते हैं। उनको आप अगर ऐसे चने खिलाओ ना, सपोज आप चने ऐसे आगे करो, ऐसे आपने चने किए ना, तो वो एक हाथ से आपका ये हाथ पकड़ेगा ताकि आप ना ले लो, तो दूसरे हाथ से खाता रहता है। तो इतने स्मार्ट मैंने कभी नहीं देखे लाइफ में। ऐसे मेरा दोस्त कहता है तू हिलना मत सीधा खड़ा जाओ, उसको चेकिंग करने दे। वो चेकिंग करता रहा करता, मेरे ना तो पैसे निकले ना चने। तो मेरे को देख कहता लानत डाल के गया हूं। पर उस बंदर से मैं कहना चाहता हूँ, बंदर की औलाद आज देख हमारा कितना बड़ा शो चल रहा है। ओए ओए, बंदरों के साथ कंपटीशन कर रहा हूँ, मेरे क्या दिन आ गए। नहीं नहीं, मेरी भी बंदर स्टोरी है वैसे, अगर हम बंदरों की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली? मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी। अच्छा। लखनऊ में, और हमारे स्कूल में के पास एक पेड़ था जहाँ बहुत सारे बंदर आया करते थे। तो एक बंदरिया ऊपर खड़े होके पता नहीं अपने आप को साफ कर रही थी, तो मेरे को बहुत फनी लगा। तो मैं खड़े होके हंस रही थी उसके ऊपर जोर जोर से, आ देखो कैसे अपने आप को साफ कर रही है। वो नीचे आई, उसने मुझे देखा, मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर चली गई। यू रिमेम्बर मॉम? एक बंदरिया से थप्पड़ पड़ी। तो फिर तुम्हारा भी हाईलाइट है, मेरा भी। तो काटा भी था एक बार एक बंदर ने। मूविंग ऑन, चलो। ओके ओके, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेके बंदरों की बातें कर रहे हैं हम लोग। पाजी आईएमडीबी पर इन्होंने स्कारलेट जॉनसन, अब मैं जो भी इंग्लिश नाम लूंगा मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, स्कारलेट जॉनसन जो एमा वॉटसन जो हैंसन, बट ठीक है जो हैंसन जो है सन, ठीक है फिर जिनका जो है वो ठीक है। अच्छा, तो मतलब स्कारलेट जोहानसन, करेक्ट, एमा वॉटसन, करेक्ट, इनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इस बात के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने उनको बता दिया कि सबसे बेस्ट हमारी देसी गर्ल। जब तक कपिल ने ये बोला मैं भूल गई कि मुद्दा क्या था। कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो उदास हो गई होंगी ना कि प्रियंका अभी भी आई और हमें पीछे छोड़ दिया। उनको मेरा नंबर दे देना, मैं अभी तुम उनका ख्याल रख लोगे? हाँ। मैं बोल दूंगी कपिल, मैं तो क्या रखूंगा, अमीर अभिनेत्रियां मेरा रखेंगी वो मेरा। यात्रियों के लिए जनपान का इंतजाम हो गया है, ये आपके लिए जल और ये आपके लिए पान। ओह, रियल पान? यस यस, दिस इज वेरी मच रियल पान। थैंक यू वेरी मच जी। खाना मत प्रियंका, पता नहीं 6 महीने पुराना है, हर बार यूज करते हैं ये। जी ऐसा मत बोलो, मुझे पान एक्चुअली अच्छा लगता है, खा सकते हैं? जी जी, आपके लिए। जी जी, पक्का फ्रेश है? फ्रेश है, आपकी तरह थोड़ी है। पानी 3 दिन पुराना पी लो, आपके लिए लेकर आया था मैं। पानी भी कभी पुराना हुआ बेवकूफ, जल ही तो जीवन है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।